हे एवरीवन, कैसे आप सब। मैं चुके अपने न्यू व्लॉग में। इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, सेव कर दीजिए। एंड आज के व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो आप सब लोग गेस कीजिए कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और जब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं, तब तक हम लोग आपको बताते नहीं। तो जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे, तब हम बता देंगे आपको कि हम लोग कहाँ आए हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि हम जब पहुंचेंगे तब आपको बताएंगे। तभी जब हम पहुंचेंगे तब आपको बताएंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं साईं धाम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग गेस कीजिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और मैंने कहा था कि मैं पहुंच कर बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग आए थे साईं धाम। तो चलिए अभी साईं धाम को मथा दीजिए। आप सब देख सकते हैं, ये जो आप लोग पिक देख रहे हैं वॉल पर, ये पिक है जब साईं बाबा जी ने चावड़ी की पालकी निकाली थी, तब की पिक है। चलिए अब हम सब दर्शन करते हैं। गाइज, ये नीम का पेड़ है। ये एक ऐसा पेड़ है कि जिसके नीचे जब साईं बाबा जी आकर बैठे थे, तो इसका एक एक पत्ता मीठा हो चुका था। सो गाइज, आप सब भी लुधियाना में जरूर आना दर्शन करने। एंड चलिए आगे चलते हैं। सो गाइज, ये है यहाँ के पेड़ पौधे, काफी अच्छे हैं, ताजे ताजे पूरे खिले हुए हैं। आगे दादी जा रहे हैं। एंड यहाँ के जो ग्लास विंडोज है वो काफी अच्छे हैं। सो काफी मजा आ रहा है हमको, और आगे हम लोग द्वारका माई मत्था टेकने वाले हैं। तो होप आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही होगी। सो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं द्वारका माई। तो ये जो साईं बाबा जी की फ़ोटो है, ये द्वारका माई की है। एंड आगे भी है अंदर, तो अभी चलते हैं अंदर देखते हैं। एंड अंदर ये जो पिक है, ये भी द्वारका माई की है। एंड ये पूरी बहुत अच्छे से द्वारका माई बना रखी है। मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोग ज़रूर आइएगा दर्शन करने के लिए। तो गाइस, हमारी गाड़ी आ चुकी है जिसमें हमने बैठ के आगे जाना है। सो यार, जो कुछ उठाना मैं ले आ रहा हूं। भैया भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। उधर तेरा कुछ छोटी है।